तो फाइनली हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच गए। ये सतखोल है और सतखोल में ये वाली जगह ना फ्रोजन वुड्स, यहाँ पर हम लोग जनरली जब इधर आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं हम लोग फ्रोजन वुड्स में ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 4:50 हो गए और ये बाहर के नज़ारे देखो। नवंबर का ऑलमोस्ट एंड आ गया है और अब हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। थोड़ी सी एक लिटिल बिट ऑफ गैप मिला है, थोड़ी सी छुट्टियां आई हैं तो हमने सोचा चलो उसका फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं। प्लान तो है कि बिनसर साइड निकलते हैं, बिनसर साइड में कहीं पे देखा जाएगा, वहाँ पे रुक के एक दो दिन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट बाहर निकले हैं सिटी से, हाईवे पकड़ा है। ये देखो ट्रैफिक कम है यूजुअल अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा लिटिल बिट फॉग है, स्मॉग है, जो भी है। और ये रोड ब्रिलियंट है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो इस पर हम कुछ दूर चलेंगे, फिर उतर के हापुड़ वाली रोड पकड़ लेंगे, उधर से फिर हम चलेंगे। इस पर देखो स्पीड लिमिट 100 की है और हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की है, तो ऐसे होना चाहिए। तो आ जाओ फिर चलते हैं, आज उत्तराखंड के नाम पे कुछ नया एक्सप्लोर किया जाएगा। नया क्या, विंसर तो पहले भी जा चुके हैं बट छोटे से छुट्टियों में इतना ही हो पाएगा। अरे बाहर देखो यार कितना फॉग है इधर। अभी हम लोग कहाँ पे होंगे पता नहीं, आइडिया नहीं लग रहा। मे भी हापुड़ क्रॉस करके शिवा ढाबा शुरू हो गए हैं तो गढ़मुक्तेश्वर के आसपास पहुंचने वाले होंगे। और इधर देखो ज़बरदस्त फॉग है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो सामने दिख रहा होगा, कई जगहों पे तो इतना डेंस है कि कुछ नहीं दिख रहा। देखो ये अभी नवंबर में यह हाल है, तो दिसंबर जनवरी में क्या हाल होगा। बाहर देखो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई है, 6:30 हो गए हैं, थोड़ा सा काफ़ी क्लियर हो गया है। 6 तक तो इतना भयानक डेंस फॉग था भाई, कुछ नहीं दिख रहा था। अब थोड़ा सा कम हुआ है, अभी भी कुछ जगहों पे तो बहुत ही लाइट है, पीछे जो था उसके कंपेयर तो ये ऑल थ्रू है, कुछ एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है। और पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, सारी गाड़ियाँ मतलब सारी गाड़ियाँ एक लेन में, मिडल वाली लेन में फाइल बना के चल रही थी। तो पीछे इतना डेंस फॉग था ना, हालत ख़राब हो गई, सारी गाड़ियाँ तीन लेन की जगह पर एक लेन में बना के और एक के पीछे एक लग के चल रही थी। पहली बार मैंने देखा लोगों को इतने डिसिप्लिन में चलते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ, देखो कैसे भागे जा रहे हैं। गुड, थोड़ा सा सब फॉग फिर आ रहा है, इसलिए गूगल मैप को थोड़ा सा इधर ट्रैफिक दिखला रहा है, मतलब उसका ऑरेंज कलर का जो दिखाता है वैसे, बट ट्रैफिक है नहीं है, फॉग है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है उसके कारण। तो चलो एंजॉय करते हैं इस फॉग का। तो भाई रामपुर से जस्ट पहले हम लोगों ने मुरादाबाद वाला टर्न ले लिया। इधर फॉग देखो कितना भयंकर है, अभी तो इधर कम है, अब 7:00 तो था, फॉग कम हो गया है, अदरवाइज पीछे तो ज़बरदस्त था। बट एंजॉय किया हम लोगों ने फॉग में ड्राइव करके। और इस पर कुछ देर चलते हैं, फिर राइट होके और बाजपुर टंडा वाली रोड लेके आगे निकल लेंगे। ये वाली रोड जिम कार्बेट भी चली जाती है, तो जनरली मैं नैनीताल जाने के लिए वाली रोड प्रेफर करता हूँ रेदर देन गूगल, जो आगे रामपुर के अंदर से निकाल के फिर सुअर होते हुए सुअर या वो हल्द्वानी होते बिलासपुर हल्द्वानी होते हुए लेके जाता है आगे से। दो मतलब एक रामपुर सुअर होके सिम आके मिल जाएगी और वो हल्द्वानी वाली तो कम्प्लीटली डिफरेंट रोड है। चाय की दुकान ढूंढते हैं और इस में खड़े होकर मस्त कुहासे में खड़े होकर चाय पीते हैं, कैसा लगा आइडिया। तो मुरादाबाद वाली रोड से कट के अब मतलब NH24 से उतर के नीचे मुरादाबाद वाली रोड पे आके आगे
ये टांडा बाजपुर वाली रोड पर हम लोग आ गए हैं और एक ये है न्यू श्री साई ढाबा। तो हर बार हम लोग अनइंटेंशनली, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता, पर यहाँ से आते हुए यहाँ पे रुक ही जाते हैं। जब भी हम इधर से पास होते हैं तो यहाँ पे रुक के चाय पराठे, बहुत अच्छा तो नहीं है बट ओके है, तो यहीं पे आके हम लोग रुक गए हैं। देखो ये, और ये जब भी आते हैं तो ये A4 UP16 यहीं पे खड़ी मिलती है। तो शायद इस बंदे ने, ढाबे वाले ने, वहाँ से लेके आया होगा। 10 ईयर रूल्स के कारण आके तो बड़ी सस्ती मिल रही है ना, थ्रो अवे प्राइस भी मिल रही हैं। और बाहर का ये सीन देखो, मस्त इसकी फोटो अच्छी लग रही है ये ट्री की। तो पीछे मैंने गलत बोल दिया था कि रोड बन गई है, रोड बनी नहीं है, जैसी पहले थी जितनी खराब वैसी ही है। तो पीछे थोड़ा बहुत तो कुछ किया होगा, वो भी टूट ही गई थी, बट इधर तो ये देखो, इधर तो मे बी ईयर साल भर पहले हम लोग आए थे यहाँ पे, नहीं कब आए थे, मई में जब रानी खेत गए थे इधर से, तब इधर से गए थे, तो उसमें भी ऐसी ही खराब रोड थी। अब मई मतलब 5 और 11, 6 महीने बाद भी जा रहे हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसे ही खराब रोड है। कुछ तो नया गांव पास हुआ है और यहाँ से काला दूंगी 15 किलोमीटर, कितना बचा है, 14 किलोमीटर, और कार्बेट नेशनल पार्क 55 किलोमीटर, और नैनीताल करीबन 48 किलोमीटर के राउंड होगा। ये वाला रीजन कार्बेट का ही पार्ट है शायद। तो यहाँ पे अब लोगों के खेत भी हैं, बफर जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत जंगल भी आएगा और आगे से फिर जंगल भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला स्ट्रेच बड़ा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे रोड भी अच्छी, उत्तराखंड में रोड अच्छी है इस वाले सेक्शन में। जब से हम उत्तराखंड इंटर हुए हैं तब से रोड रिलेटिवली बेटर हो गई है और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे बाहर का देखो यार, मस्त व्यू लगता है। अभी कुछ देर बाद थोड़ा और जब जंगल शुरू हो जाएगा, वो कार्बेट वाला पार्ट आएगा, तब और मज़ा आता है। काफ़ी लवली स्ट्रेच है ये। अभी कार्बेट का भी एक बार प्लान करना है, कार्बेट इतनी भीड़ होती है कार्बेट में कि थोड़ा सा मुश्किल काम होता है मेरे लिए कार्बेट का प्लान करना। मुझे ऐसे टाइम पे, लेन टाइम पे प्लान करना होता है कि जब थोड़ी भीड़ कम हो वहाँ पे, अदरवाइज मोस्टली कार्बेट बहुत ही, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। काला दूंगी पास हुआ है और यहाँ पे कार्बेट म्यूजियम भी है, जिम कार्बेट फेमस। पहले तो हंटर थे, उन्होंने बहुत सारे मैनीटर्स को, टाइगर मैनीटर्स को मारा, लेपर्ड तो नॉर्मली ऐसे भी मार लेते थे, तो उनका पीछे वहाँ पे था घर जो है, उसको म्यूजियम बना रखा है। और उसके जस्ट पीछे बोअर रिवर जाती है, वो पहले छोटा सा ब्रिज आता है ना जिसके नीचे से एक नाला टाइप का पास होता है जिसमें पानी नहीं है, तो वही बोअर रिवर है। तो कार्बेट की बुक में बहुत जगह पे जिक्र आएगा बोअर रिवर का, तो बोअर रिवर के साथ साथ जाके और टाइगर मारा करते। तो पहले इस वाले एक कार्बेट का ही पार्ट है, तो इस एरिया में पहले टाइगर होते थे, अब पता नहीं है कि नहीं है अभी यहाँ पे। पहले फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे एक ब्रिज बनाया था ऊपर से कि जानवरों को क्रॉस करने के लिए, पता नहीं गायब हो गया लगता है। शुरू में जब बना था तब तो बहुत ही फन फेयर के साथ न्यूज में हर जगह आया था, अब उसका मेंटेनेंस नहीं है तो शायद गायब हो गया है। तीन में तो यहाँ से अब हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं नैनीताल की। यहाँ से नैनीताल की चढ़ाई स्टार्ट होगी, नैनीताल अब हार्डली 30 किलोमीटर और बचा होगा। हेलो जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए नैनीताल। अब माल रोड पे जस्ट एंटर करने वाले हैं, सामने माल रोड है और क्या फालतू काम। तो माल रोड पे जस्ट एंटर करने वाले हैं, पीछे ये माल रोड ही है और यहाँ से फिर पीछे वो लेक भी दिखना शुरू हो गई होगी। क्या किया है यार,
नैनी लेक भी बगल में है और ये मॉल रोड है। आज अभी 11 बज गए, जनरली हम लोग 8:39 तक पहुंच जाते हैं। आज हमने लेट स्टार्ट किया था, बीच में फॉग के कारण थोड़ा टाइम लगा और पीछे यहाँ पे इंटर करते ही हमें एक नैनीताल में 95 ऑक्टेन का दिख गया, तो वहाँ हम लोगों ने टैंक फुल कराया कि आगे कहीं चिंता नहीं रहेगी। और देखो लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पे फॉल कलर तो दिख रहे हैं यार मस्त। तो ये है जी फॉल कलर, देखो मस्त चिनार के पेड़ भी लग रहे हैं, लग रहा है यहाँ पे लोगों ने लाके लगाया चिनार के ट्रीज। यहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है। आज जो हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया है, पहले हम बिनसर सोच रहे थे कि आज बिनसर स्टे करेंगे, फिर यहाँ पे आके हमने सोचा कि हमारे पास तो ऑलमोस्ट 4 डेज हैं, तो बिनसर में इतना क्या करेंगे। तो एक यहाँ पे सत मुक्तेश्वर के पास सतखोल करके एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे हम लोग कई बार रुके हैं, तो वो जगह हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जब आए तो अल्मोड़ा वाले मोड़ पे थोड़ा ट्रैफिक था, तो हमने ऊपर चढ़ लिया मोना की ओर, और मोना सतखोल पास ही है, तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज हम लोग सतखोल में स्टे करेंगे, कल फिर चलते हैं बिनसर की ओर। और ये बाहर का व्यू देखो, यहाँ पे ये वाली रोड अच्छी है, या नथुआ रामगढ़ नथुआ खान होके आओ वो वाली भी अच्छी है, या फिर ये मतलब नैनीताल भवाली से आके आगे आके एक जगह आती है जहाँ पे एक बहुत ही नैरो ब्रिज है, उसको क्रॉस करके दूसरी ओर जाते हैं अल्मोड़ा वाली रोड पे, और दूसरी ओर ना ब्रिज पे ना जाके सीधे आओ तो ये वाली रोड आ जाती है। तो यहाँ पे देखो बाहर का व्यू मस्त है, ज़बरदस्त। तो फाइनली हम लोग मुक्तेश्वर पहुँच गए, ये सतखोल है, और सतखोल में ये वाली जगह ना फ्रोजन वुड्स, यहाँ पे हम लोग जनरली जब इधर आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं हम लोग फ्रोजन वुड्स में ही। तो यहाँ पे मे भी 5-6 टाइम्स हो गए होंगे हमें यहाँ पर रहते हुए। ये एक यहाँ पे है, यहाँ पे देखो तो कुछ ऊपर रूम्स बने हैं, रूम्स के जो नेम है ना बर्ड्स के नाम पे हैं, जैसे ऊपर देखा ना रोज फिंच, ग्रीन फिंच, नीचे क्या है ट्रिपाई, और हम इस रूम में रुके हैं ये है, अच्छा इसका कोई नाम नहीं है, हम बर्ड थोड़ी हैं यार क्यों कोई नाम रखा जाए। वैसे ही एक उधर भी रूम है, इधर है, ये सामने किचन है, इसको वैसे बड़ा पीसफुल है। नीचे यहाँ से जस्ट रोड जाती है, और इस साइड में यहाँ पे आगे जाके देखो ऊपर भी कुछ बन रहा है होटल, होटल इधर बहुत होटल बन रहे हैं भाई। अभी हम लोग इधर से पीछे से आ रहे थे तो इधर भी पहले जो जगह खाली होती थी वहाँ पर सब जगह होटल ही होटल बन गए हैं, और वो जो ठीक सामने पहाड़ी पर ढेर सारे घर दिख रहे हैं ना वो अल्मोड़ा है, और जो सामने वाली पहाड़ी दूर वाली पहाड़ी पे जो बहुत सारे घर दिख रहे हैं वो अल्मोड़ा है, और पीछे भी क्लाउड है नहीं तो यहाँ पे पूरे लाइन से माउंटेन्स दिखने हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, हिमालय दिखता है ऊपर। तो जो लास्ट माउंटेन है उसके पीछे जो क्लाउड्स दिख रहे हैं ना अभी, तो क्लाउड्स के अंदर है नहीं तो वहाँ पे पूरा हिमालय दिखता है यहाँ पे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू रहा यहाँ पे, अब देखते हैं हम लोग क्या करना है, फिर मिलते हैं कल, देखते हैं कल क्या करना है। चलो फिर बाय।